हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट में जो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग होता है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज के लिए, उसका जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन है 1 से 4 सितंबर के बीच में आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आपका 4 दिन का टाइम दिया हुआ है, जिसमें आपको ऑल इंडिया कोटा से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, कोई भी, जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ अगर आप आयुर्वेदा की पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना पड़ता है, जो कि डबल ए ट्रिपल सी के माध्यम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड का शेड्यूल और सेकंड राउंड का शेड्यूल, थर्ड राउंड का शेड्यूल, मॉपअप राउंड का शेड्यूल सारा कुछ जारी हो चुका है। इसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट होते ही हमारा जो सेकंड राउंड स्टेट से जो काउंसलिंग होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले ऑल इंडिया कोटा का चलता है, फिर स्टेट से चलता है। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट की या फिर किसी अपने स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मतलब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको डबल ए ट्रिपल सी से जाना है, अपने स्टेट की गवर्नमेंट में लेना है या फिर प्राइवेट में लेना है, या फिर दूसरे स्टेट की प्राइवेट में लेना है तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। शेड्यूल की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन आपका 1 से 4 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिलिंग जो लॉकिंग है वो 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में करना है, 3 दिन का टाइम है। सीट्स अलॉटमेंट जो आपका 5 से 6 सितंबर के बीच में आ जाएगा। जो आपका रिजल्ट है वो 7 सितंबर के बीच में पब्लिश हो जाएगा, 1 दिन का टाइम है। आपको रिपोर्टिंग और अलॉटमेंट जो है, जो आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में जाके, वो आपका 8 से 13 सितंबर के बीच में आपको वहां जाके एडमिशन लेना है। ये हुआ फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिला है अगर उनको पसंद नहीं आता है तो वो अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता तो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और सेकंड राउंड में फिर से जो बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 20 से 24 सितंबर के बीच में 5 दिन का टाइम में इसको रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिलिंग लॉकिंग आपको 21 से 24 के बीच में करना है। अलॉटमेंट आपका 25 से 26 के बीच में आ जाएगा, और पब्लिकेशन जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग और अलॉटेड जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेना है आपको 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में, 8 दिन का टाइम है। ये हुआ सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के बाद आपका जो थर्ड राउंड है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो ये सारा शेड्यूल है, आप डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट में जाके देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दिया हूँ, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है या फिर अगर आपको पेड काउंसलिंग करवाना है, हमारे यहाँ से पेड काउंसलिंग किया जाता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपका क्वालिफाइड मार्क्स है और अगर आप कॉलेजेस देख रहे हैं, अपनी बजट में कॉलेज देख रहे हैं, तो आपके बजट के हिसाब से हम कहीं ना कहीं आपके लिए कॉलेज अरेंज करेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है। तो चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन जो भी है वो मिलता रहेगा। क्योंकि वन टाइम, बहुत सारी स्टेट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे इसमें 4 दिन का टाइम दिया है ना, तो छत्तीसगढ़ में खुलता है तो 4 दिन का टाइम रहेगा, उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो तो पूरे साल के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। तो चैनल में अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी नोटिस है, जितने भी जो PDF है वो मैं वहाँ डालता ही रहता हूँ, और बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहाँ एक दूसरे से बात करने में भी बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।